नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी, और हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी में हम स्वरों के बारे में जान रहे हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन से स्वर पढ़ लिए हैं? अभी तक हमने स्वर अ, आ, ई, ई, उ, री स्वरों के बारे में जान लिया है ना। तो आज जब हम जो नया स्वर पढ़ने जा रहे हैं वो है स्वर ए। कौन सा स्वर है? वो है स्वर ए। ठीक है, तो आज हम स्वर ए के बारे में जानेंगे और इससे कहानी सुनेंगे, इसके कुछ शब्दों को जानेंगे और कुछ गतिविधि करेंगे। तो आप सब तैयार हो? हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, चलिए हम देखते हैं स्वर ए कैसे दिखता है। तो ये है स्वर ए। स्वर ए एक खड़ी रेखा, एक तिरछी रेखा, फिर एक छोटी खड़ी रेखा और एक तिरछी रेखा, और ऊपर एक बड़ी हुई रेखा। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है? स्वर ए। तो बच्चों, क्या आप स्वर ए की कहानी सुनना पसंद करोगे? हाँ, तो चलिए हम स्वर ए की कहानी सुनते हैं। यह कहानी है ए एकलव्य की। किसकी कहानी है? ए एकलव्य की, है ना। एकलव्य के घर में पूजा थी, है ना, और उसके घर में पंडित जी आने वाले थे। तो पंडित जी का क्या नाम था? एकानंद जी। पंडित जी का क्या नाम था? एकानंद जी। एकानंद जी जो थे वो एकलव्य के घर में आने वाले थे, और पता है किसकी पूजा कराने वाले थे? एक दंत भगवान की। एक दंत किसको बोलते हैं आपको पता है? गणपति जी को बोलते हैं एक दंत। देखिए, इनका एक दांत होता है इसलिए इनको एक दंत बोलते हैं। वन टेथ होता है इनको, इसीलिए इनको एक दंत बोलते हैं। तो एकलव्य के घर में किसकी पूजा थी? एक दंत भगवान की पूजा थी। और कौन आने वाले थे? एकानंद जी, है ना। एकानंद जी क्या थे? पंडित जी थे। एकानंद जी जो थे वह एक तारा बहुत बढ़िया बजाते थे। ठीक है, एक तारा क्या होता है? एक तारा एक वाद्य यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो एकानंद जी जो थे वो एक तारा बहुत बजाते हुए और किसके घर में आ रहे थे? एकलव्य के घर में। किसकी पूजा कराने? एक दंत भगवान की पूजा कराने। तो जैसे ही वो एकानंद जी एक तारा बजाते हुए एकलव्य के घर में पहुंचे, और एकलव्य का घर नंबर क्या था पता है? एक, है ना। सबका, आप सबका भी एक हाउस नंबर होता है ना, तो एकलव्य का हाउस नंबर था एक। तो एकलव्य के घर पहुंचे, है ना, और आप वहाँ पे आसपास जो बच्चे थे उनसे पूछा कि घर नंबर एक कहाँ पे है। तो बच्चों ने उन्हें एकलव्य का घर बताया, है ना। तो जैसे ही एकानंद जी ऊपर जा रहे थे एकलव्य के घर में, तभी उनके एड़ी में क्या चुभ गया पता है? कांटा चुभ गया। बहुत जोर से एकानंद जी चिल्लाए ओ, और जो उनका एक तारा बज रहा था वो बजना बंद हो गया, और उनकी जोर जोर से उनकी चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तभी एकलव्य जो था वो अपने मित्रों के साथ आया, और उसने पूछा कि एकानंद जी आप क्यों चिल्ला रहे हैं? तो एकानंद जी ने कहा कि ओ, मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया। तो जो एकलव्य था उसने अपने सभी मित्रों को बुलाया और कहा कि चलो मित्रों, हम मिलकर एकानंद जी के पैर से कांटा निकालते हैं। तो जो उसके सारे मित्र थे वो साथ में आए, और उन्होंने एकता के साथ, एकता मतलब क्या होता है? यूनिटी, है ना। सब जब मिलकर काम करते हैं तो उसे एकता से मिलकर काम करना कहते हैं। तो सब बच्चों ने एकता दिखाई और उन्होंने मिलकर एकानंद जी के पैर से कांटा निकाल दिया, उनकी एड़ी से कांटा निकाला। और क्या किया सब फिर उन्होंने एकानंद जी को अंदर लेके गए, और एकानंद जी ने पूजा की। उन्होंने बच्चों को क्या दी पता है? मिठाई दिखाने के लिए, और एक तारा बजा के सभी बच्चों का मनोरंजन किया। सब बच्चे खुशी से नाचने लगे, है ना। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि एकता से अगर हम कोई काम करते हैं तो वो काम जरूर सफल होता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? बहुत बढ़िया। बच्चों, आइए हम स्वर ए से जिन शब्दों को हमने सीखा है उन शब्दों को दोहराते हैं। ए, ये कौन सा स्वर है? स्वर ए। ए, ये कौन है? उनका नाम क्या था पंडित जी का? एकानंद। ए, एकानंद। ये क्या है? ए, एड़ी। ए, एड़ी। ये क्या है? ए, एक तारा।
ए एक तारा। ये कौन से भगवान हैं? ए एक दंत। ए एक दंत। ये कौन है? ए एकलव्य। ए एकलव्य। ये कौन सा नंबर है? ए एक। ए एक। नंबर वन को हम हिंदी में एक बोलते हैं। और बच्चों ने क्या दिखाई थी? ए एकता। ए एकता। तो बच्चों आज हमने स्वर ए से शुरू होने वाले कई सारे शब्दों को जाना और उनको बोलने का अभ्यास किया। तो बच्चों आपको भी इस तरह से इन शब्दों को बोलने का अभ्यास करना है। बहुत बढ़िया बच्चों, ये कौन से भगवान हैं? एक दंत भगवान। और देखो इनके कितने दांत हैं? सिर्फ एक दांत है ना, इसीलिए इनको एक दंत भगवान बोलते हैं। तो चलिए हम एक दंत भगवान का एक मास्क बनाते हैं आज। बहुत बढ़िया। सो किड्स, चलिए हम आज एक दंत भगवान यानी गणेशा जी का मास्क बनाते हैं। आप सबके फेवरेट भगवान जी हैं ना, है ना? क्योंकि गणेशा जी को क्या पसंद है? लड्डू। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक ऐसे गोला, है ना, सर्कल शेप में एक कटआउट चाहिए। और ये एक दंत भगवान जी का क्या था? लंबा सा सूंड, है ना? तो इसके लिए हम एक इस तरह से कटआउट चाहिए हमें। आपको इसे इस प्रकार से दो कटआउट चाहिए, है ना, जिससे कि हम एक दंत भगवान का कान बनाएंगे और एक इस तरह से मुकुट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गणेशा जी के क्या बनाएंगे? कान, है ना? तो इस प्रकार हम इसमें ग्लू लगाएंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे लाइक दिस, है ना? यहाँ पे भी ग्लू लगाया और इसको इस प्रकार यहाँ पे, इसको इस प्रकार यहाँ पे पेस्ट कर दिया, है ना? तो ये क्या बन गया? हमारा गणेशा जी के कान, है ना? और फिर चलिए हम गणेशा जी का सूंड बनाते हैं, है ना? तो इस प्रकार मैम ने यहाँ पे इसको मोड़ा और यहाँ पे हम लगाएंगे ग्लू। ओ देखो, ये तो सूंड अपने आप ही ऊपर आ रहा है ना? तो ये हमने क्या बनाया? गणेशा जी का सूंड, है ना? अब चलिए गणेशा जी का मुकुट बनाते हैं, है? तो इस पे हम कुछ ग्लू लगाएंगे और इसको हम इसमें चिपकाएंगे, है ना? ऐसे ये हमने बना दिया गणेशा जी का मुकुट। ठीक है, एक दंत भगवान का। तो चलिए एक दंत भगवान की अब हम आईज बनाएंगे। ओ, क्योंकि हम ये मास्क बना रहे हैं तो हमें मास्क में क्या होता है? हमें जो आईज हैं वो दिखनी चाहिए ना, है कि नहीं? तो हम इस प्रकार इसकी आईज को कट करेंगे, दो गोला बनाएंगे इसके अंदर और उसको हम बाद में कट करेंगे, है ना? तो अब चलिए एक दंत भगवान का हम फेस को डेकोरेट करते हैं। इनके सूंड में कैसे था? ऐसे ना, इस प्रकार एक एक बड़ी रेखा बनानी है इनके सूंड में। तो ये हमारे एक दंत भगवान की सूंड बन गई और ये बन गया इनका ईयर। और चलिए हम इन इधर आईज को कट करते हैं और ये बन गया इनका मुकुट। तो इस प्रकार जब हम इस इधर आईज को कट करेंगे तो ये काम आप खुद नहीं करोगे, आपके मम्मा और पापा आपके लिए कट करेंगे, राइट? तो हम इस प्रकार सीजर की हेल्प से कट करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो हमें क्या बनाना है? एक दंत भगवान का मास्क। और आप तो कहोगे, मैम आपने तो एक दंत भगवान के दांत तो बनाए ही नहीं,
तो चलिए हम एक दंत भगवान का दांत भी बनाएंगे, है ना। पहले उनके मुकुट को अच्छे से लगा लें और फिर हम एक दंत भगवान का क्या बनाएंगे, दांत, है ना। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इस तरह से वाइट पेपर। तो इनके कितने दांत थे, एक, और उनका एक दांत क्या था, टूटा हुआ। तो हम एक दांत बनाएंगे ऐसे, और एक दांत इनका क्या था, टूटा हुआ, है ना। सिर्फ इनके एक ही तो टीथ थे, इसीलिए तो हम इनको एक दंत बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार ऐसे, है ना, एक टूटा हुआ दांत था और ऐसे। और गणेश भगवान जो थे वो ऐसे टीका लगाते थे, है ना। तो एक ऐसे छोटा, इस प्रकार। तो क्या बन गया ये, एक दंत भगवान। देखो बच्चों किस प्रकार ये हमने एक दंत भगवान का मास्क बना दिया। तो आपको भी ये अपने घर पे बनाने का अभ्यास करना है, है ना। तो बच्चों अब समय है आपकी पुस्तक के अभ्यास कार्य का। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा स्वर है। हाँ, ये तो स्वर ए है। तो चलिए यहाँ पे एक छोटी सी कविता दी हुई है, इस कविता को हम पढ़ते हैं और आप सब मेरे साथ दोहराइएगा। ए से एड़ी जरा उठाओ, मुन्ना राजा नाच दिखाओ। चलिए एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए। ए से एड़ी जरा उठाओ, मुन्ना राजा नाच दिखाओ। तो बच्चों इस तरह से आपको ये कविता याद करनी है। यहाँ पे देखिए हमने कौन कौन से इन चित्रों को देखिए और इन शब्दों को बोलने का अभ्यास कीजिए। तो ये क्या है बताइए, ए से एड़ी, ए से एड़ी, ये क्या है, ये तो नंबर एक है। कौन सा नंबर है, नंबर एक। ये कौन सा वाद्य यंत्र है, एक तारा। क्या है ये, एक तारा। इसको एक तारा क्यों कहते हैं पता है आपको, क्योंकि इसमें सिर्फ एक तार होती है, इसलिए इसको एक तारा बोलते हैं, एक तार वाला। चलिए देखें इस पृष्ठ में आपको क्या करना है, दिए गए अक्षर एवं चित्रों में रंग भरिए। ये कौन सा अक्षर है, कौन सा स्वर है, स्वर ए, स्वर ए। तो ए में आपको क्या करना है, रंग भरना है, और इन चित्रों को भी पहचान कर इसमें रंग भरना है। ए से एड़ी, ए से एक, ए से एक तारा। तो आपको क्या करना है, इन चित्रों में रंग भरना है। बहुत अच्छे। अब चलिए देखते हैं इस पृष्ठ पर आपको क्या करना है, इस गतिविधि में आपको क्या करना है, इस गतिविधि में आपको ए अक्षर ढूंढकर उस पर गोला लगाएं। तो बच्चों चलिए हम इनमें से ए अक्षर को ढूंढते हैं, है ना, स्वर ए को ढूंढते। तो क्या ये स्वर ए है, नहीं, ये तो स्वर ऊ है। तो क्या ये स्वर ए है, हाँ ये तो स्वर ए है। तो चलिए बच्चों इस पे हम गोला लगाते हैं, क्या ये स्वर ए है, नहीं, क्या ये स्वर ए है, नहीं। तो क्या ये स्वर ए है, हाँ। तो चलिए इस पर हम गोला लगाते हैं, ये कौन सा स्वर है, ये तो स्वर ए है, हमें इस पर गोला लगाना है। तो इस प्रकार आपको इस गतिविधि को पूरा करना है, है ना। अब चलिए आओ कुछ करें, इस गतिविधि में आपको क्या करना है। तो बच्चों चलिए देखते हैं इस गतिविधि में आपको क्या करना है। यहाँ पे एक नंबर लिखो, नंबर एक लिखना है, और आप सबको पता है ना नंबर एक क्या होता है, नंबर वन, और आप सब तो नंबर वन लिखना जानते हो, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आप चाहो तो पेंसिल से, कलर पेंसिल से, क्रेयॉन से नंबर वन लिखो। यहाँ पे ऐसे बनाते हैं ना नंबर वन, नंबर वन एक, है ना। तो ए से एक, नंबर वन, एक नंबर हमने यहाँ पे लिखा। तो बच्चों
आइए हम देखते हैं आपको इस गतिविधि में क्या करना है। इस गतिविधि में आपको स्वर ए लिखने का अभ्यास करना है। तो चलिए हम देखते हैं स्वर ए कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक खड़ी रेखा बनाएंगे, फिर एक तिरछी रेखा, फिर यहाँ पर एक छोटी सी खड़ी रेखा, फिर एक तिरछी रेखा और फिर हम ऊपर बनाएंगे एक बड़ी रेखा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम स्वर ए लिखने का अभ्यास करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक खड़ी रेखा, फिर तिरछी रेखा, फिर से एक खड़ी रेखा और एक तिरछी छोटी तिरछी रेखा और ऊपर बड़ी रेखा। तो इस प्रकार हम स्वर ए लिखने का अभ्यास करेंगे अपनी पुस्तक में, है ना बच्चों। एक बड़ी रेखा, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, एक छोटी सी उसके पास से ही थोड़ी दूरी पर और एक खड़ी रेखा बनाएंगे और एक तिरछी रेखा और ऊपर बड़ी रेखा। तो इस प्रकार हम स्वर ए लिखने का अभ्यास करेंगे, है ना बच्चों, अपनी पुस्तक में और अपनी पुस्तिका में। तो चलिए हम देखते हैं कैसे लिखेंगे स्वर ए। यहाँ आपको नीली रेखा से एक खड़ी रेखा बनानी है, फिर इस नीली रेखा से दूसरी नीली रेखा से तीसरी नीली रेखा तक आपको एक तिरछी रेखा बनानी है, फिर इससे थोड़ी दूरी पर एक और खड़ी रेखा बनानी है, ऐसे इस प्रकार, है ना, नीली रेखा से इस नीली रेखा तक और फिर यहाँ से एक तिरछी रेखा बनानी है छोटी सी। तो ये क्या बन गया आपका स्वर ए। और ऊपर हम क्या बनाएंगे बताइए, ऊपर हम एक बनाएंगे बड़ी रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको स्वर ए लिखने का अभ्यास करना है। तो बच्चों इस प्रकार आप स्वर ए को लिखने का अभ्यास करेंगे अपनी पुस्तक में और अपनी उत्तर पुस्तिका में, है ना बच्चों, बहुत अच्छे। तो इस प्रकार आपको स्वर ए लिखना है ना, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने स्वर ए के बारे में जाना, स्वर ए की कहानी सुनी, स्वर ए के शब्दों को जाना, स्वर ए से एक दंत भगवान का हमने मास्क बनाया, है ना, और स्वर ए लिखना सीखा। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी गतिविधि अपने घर में करनी है, है ना, और आपको अपनी पुस्तक और उत्तर पुस्तिका में स्वर ए लिखने का अभ्यास करना है। तो बच्चों ऐसे ही सीखते रहिए, फिर मिलेंगे, बाय।